उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बीजगणित का गुणा कैसे करेंगे। जी हाँ, इस तरह का अगर आपके पास सवाल रहे तो आप लोग गुणा कैसे करेंगे, आज के टॉपिक में हम लोग इसी चीज को सीखने वाले हैं। इसको आप लोग दोनों विधि से बनाएंगे। तो पहला विधि को देख लीजिए, जैसे कि सवाल है 2x plus 2y, आपको इसको ब्रैकेट के अंदर रख देना है और x minus y, पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको इससे इन पूरे को गुणा करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, इंडिकेट कर देता हूं, 2x को इन पूरे से गुणा करना है कुछ इस प्रकार से। तो आप लोगों को इस तरह लिखना है 2x into x minus y। सेम टू सेम उसी प्रकार से आपको क्या करना है, प्लस टू वाई से। आपको ये नहीं ध्यान देना है कि टू वाई से, आपको ध्यान ये देना है कि चिन्ह क्या है, आपको चिन्ह को लेते हुए चलना है। प्लस टू वाई से हमको एक्स माइनस वाई को ही गुना करना है। जिस प्रकार हमने टू एक्स से एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई किए, उसी प्रकार प्लस टू वाई से भी आपको एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस टू वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा गुना करना है। तो गुना कैसे करेंगे, इसको इससे करेंगे, 2 को 2 वन जा 2 हो जाएंगे, x को x बार पढ़ेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 2x को y बार पढ़ेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से 2x को y बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2xy, ये काम हो गया। सेम टू सेम आपको इधर भी करना है, 2y को x बार पढ़ेंगे, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस देना है 2xy। अब प्लस माइनस आपको चिन्ह के साथ देखना है, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस 2y को y पर पढ़ेंगे तो हो जाएंगे 2y स्क्वायर। अब आपका क्या हुआ, देखिए यहाँ पर दोनों समान पद हो गया, xy, चिन्ह क्या है देखना है, माइनस प्लस हो जाने से क्या होंगे, दोनों कट गया, आंसर क्या हो जाएंगे, 2x2 minus 2y स्क्वायर। देखिए ये आपका आंसर आ गया है। अब इसको हम लोग स्तंभ विधि द्वारा भी करके देख लेते हैं। देखिए इसको हम लोग स्तंभ विधि द्वारा कैसे हल कर सकते हैं, तो पहले लिखेंगे 2x plus 2y, यहां लिखते हैं x minus y। चलिए गुणा करना शुरू करते हैं, 2x को x बार पढ़ेंगे तो 2 वन जा 2, x और x क्या होते हैं, x square। अगर आपको पता नहीं है कि x square कैसे आता है तो x के देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, x का यहाँ पर भी 1 है, और जब भी हम लोग गुणा करते हैं तो पावर जो होते हैं ना वो जुट जाता है, यानी घात जो है वो जुट जाता है, यानी 1 और 1 2 हो गया। नेक्स्ट प्लस 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 हो गया। अब हम लोगों को करना क्या है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है x को 2y के साथ। सबसे पहले क्या किए, x को 2x से किए, अब x को 2y से करेंगे। तो देखिए x को 2y से करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2xy, ये हो गया। अब देखिए, अब इसको चले मिटा देते हैं, अब यहां तक तो काम मेरा हो गया, यहां पर y है। अब देखिए हम लोग काम करेंगे किसका, y का। तो चलिए हम लोग y से करेंगे 2x को, तो y से 2x को करेंगे तो कितना हो जाएंगे, देखिए 2x into y हो जाएंगे 2xy, और साथ में आपको प्लस और माइनस दोनों देखना है, तो प्लस माइनस माइनस यहां हो जाएंगे 2xy। अब किसके साथ किसको सब करेंगे, देखिए y के साथ इसको करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आपको यहां पर सिंपल सा माइनस लगाना है, 2y और y क्या हो जाएंगे, 2y स्क्वायर। अब यहां पर लगा देंगे हम लोग 2x स्क्वायर, यहां प्लस माइनस होगी कट गया, यहां पर हो जाएंगे 2y स्क्वायर। देखिए विधि चाहे कोई भी हो लेकिन आंसर देखिए दोनों में बराबर आ रहा है। इसका आंसर भी क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। इस तरह से हम लोग पहला वाला सवाल को हल किए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले सवाल पर। तो दूसरा वाला सवाल जो है उसमें देखिए आपका है 9a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 1। इसमें देखिए तीन को पद दिया हुआ है, ब्रैकेट लगाएंगे a माइनस बी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 9a स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको ये लगाना है कि 9a स्क्वायर से हमको ये पूरा को मल्टीप्लाई करना है।
यानी 9 स्क्वायर से a माइनस बी को लगाएंगे, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 9 स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, कुछ इस प्रकार से। सेम टू सेम आपको क्या करना है, प्लस 6ab से भी आपको a माइनस बी को लगाना है। तो चलिए हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, प्लस 6ab यहां लिखेंगे, देन a माइनस बी लिखेंगे। सेम टू सेम आपको क्या करना है, प्लस 1 से भी a माइनस बी को लगाएंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्लस 1, सॉरी यहां पर लिखेंगे हम लोग प्लस 1 और यहां लिखेंगे a माइनस बी। तैयार हो गया, अरेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 स्क्वायर को a से पढ़ेंगे तो 9 a क्यूब प्लस माइनस माइनस, तो 9 a स्क्वायर b, यह हो गया। प्लस 6 ab को a बार पढ़ेंगे तो हो जाएंगे प्लस 6 a, और a मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर और b लिखेंगे। प्लस माइनस यहां से संपर्क बनाएंगे, माइनस 6 ab को b बार पढ़ेंगे तो 6 a b स्क्वायर हो जाएंगे। प्लस 1 को a बार पढ़ेंगे तो प्लस a हो जाएंगे। प्लस माइनस इसके साथ संपर्क तैयार करेंगे तो हो जाएंगे माइनस b, कुछ इस प्रकार से। अब देखना है कि आपको इसमें समान पद क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए पहले 9 a क्यूब का कोई समान पद तो है नहीं, इसलिए ये उतर जा रहा है 9 a क्यूब। अब देखते हैं 9 a स्क्वायर b का कोई समान पद है कि नहीं, देखते हैं इसमें 9 a स्क्वायर b, देखिए यहां पर 6 a स्क्वायर b, तो ये दोनों समान पद हो गए, तो इसका जोड़ घटा होगा जो भी होना है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें मतलब इसमें घटाना है। 9 में 6 गया तो 3 a स्क्वायर b। अब चिन्ह क्या बैठेगा ये आपको लेना है, तो चिन्ह क्या होंगे, 9 बड़ा है 6 से तो 9 का चिन्ह है माइनस, तो आपको यहां पर माइनस बैठाना है। नेक्स्ट क्या है, समान पद है कि नहीं देख लेते हैं, 6 ए बी स्क्वायर, देखिए कोई समान पद नहीं है तो ये भी बैठ जाएंगे 6 ए बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो है प्लस ए, देखिए ए का भी कोई समान पद नहीं है तो ए बैठ गया और माइनस बी अलग से बैठ गए, तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं स्तंभ विधि द्वारा इसको कैसे हल करेंगे, ये चीज देख लेते हैं। तो स्तंभ विधि के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पहले उतार लेंगे 9 a स्क्वायर प्लस 6 ए बी प्लस 1 और यहां पर लिखेंगे a माइनस बी। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं सेम टू सेम उसी प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले हम लोग a से इसको इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a से करेंगे 9 a स्क्वायर को तो कितना हो जाएंगे 9 a क्यूब प्लस 6 ab को s से करेंगे तो 6 a स्क्वायर b, फिर प्लस a को 1 बार पढ़ेंगे तो हो जाएंगे a। अब सेम टू सेम जिस तरह हम लोग a से किए उसी प्रकार आपको जो है यहां पर b से भी करना है, माइनस b से करना है। तो माइनस b से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 a स्क्वायर को b बार पढ़ेंगे तो 9 a स्क्वायर b होते हैं, प्लस माइनस माइनस तो 9 a स्क्वायर b। अब देखते हैं 6 ए बी और b, तो 6 ए बी स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस तो 6 ए बी स्क्वायर, 6 ए बी स्क्वायर कहीं है नहीं है तो आपको अलग से लिखना है 6 ए बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस b को 1 बार पढ़ेंगे तो माइनस b हो जाएंगे। अब इसको आपको जोड़ करना है 9 ए क्यूब प्लस माइनस माइनस होता है 9 में 6 गया तो 3 बचेंगे 3 ए स्क्वायर b। चेन बैठाएंगे कैसे, आप लोगों को डिसीजन लेना है 9 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो 9 बड़ा है 6 से तो यहां पर माइनस का सिन लगाएंगे साइन लगाएंगे प्लस a माइनस 6 ए बी स्क्वायर माइनस बी, यह आपका आंसर आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह मैथ अच्छा से समझ में आ गया है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कॉमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है,